अपनी गली कवर करेगा। कोई बात नहीं, लाओगे ना? ना कोई बात नहीं, मारो तो बना लेंगे। ये है जी गांव ब्रोट की मस्जिद। पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है लेकिन वो बहुत ही छोटी है, तो डिमांड आ रही थी कि थोड़ी लंबी वीडियो बनाई जाए। बढ़िया कंडीशन में है। 1947 के वक्त ही इसका जो नुकसान हुआ बस उसी वक्त हुआ था। गांव वालों ने इसकी हिफाजत की हुई थी और आज भी गांव वालों ने यहाँ पे मौलवी को आबाद किया हुआ है और मस्जिद चालू हालत में है, आबाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर मस्जिद। बारह सौ छप्पन हिजरी मुताबक 19 जनवरी 1949 ईस्वी। खुला खोलियो, खोल दो इतना। अंदर से पूरी अच्छी हालत में है, बढ़िया रंग रोगन। मिंबर नक्शा अदकात नमाज ये नक्शा है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़, हरियाणा, इनमें नमाजों के वक्त का है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, साल की सारी नमाजों का वेरवा है इसमें। कितनी बढ़िया नक्काशी है देखो। ये है जी गांव ब्रोट और जिला कैथल। पहले जिला करनाल हुआ करता था। यहाँ पे राजपूतों का गांव था ये। अब भी हिंदू राजपूत हैं, पहले मुसलमान राजपूत भी अक्सरियत में थे। और वो पाकिस्तान चले गए थे 1947 में हिजरत करके। किसी मशहूर बंदे के नाम याद है? पूरा गांव के मशहूर बंदे कौन थे? ये दीवारें पुरानी हैं, बाद में ये नई तामीर की हुई है, ग्राम पंचायत ने बनवाया हुआ है। ये वजू खाना है इधर। यहाँ पे शाहनवाज, दोंदा मशहूर हस्तियाँ थी। बाशी जो उस वक्त फेमस नाम थे। वो देखो कलमा लिखा हुआ है, कितने स्टाइल में लिखा हुआ है।
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਗਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਵਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਵੇ गांव वालों ने पूरी मदद करी थी जी 1947 में, जो हमलावर थे ना बाहर के उनको रोका था और मस्जिद की हिफाजत करी थी। इन्हीं हमलों में ये ज़बरदस्ती से, मतलब ये एक मीनार तो टूट गई थी, उसके बाद गांव वालों ने अपनी पूरी कोशिश से बाकी को बचा लिया था। हेलो हेलो भाई, आया 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 भी मुसलमाना का जो शहनवाज गया था, शहनवाज का नोरा हाँ, ये भी किसका अंडर में, फिर एक नाले सोर की बैठा उसने बनावा क्या उसकी। हाँ आजा, ये गांव बरोट की गलियां, ये मुसलमान का मोहल्ला था जी पहला। हाँ सारा, ये सारा मुसलमानों का मोहल्ला था, मकान बने हुए हैं। इस जगह नोरा था चिमन का, चिमन मुसलमान था, मुसलमान था। और इस टाइम तो फिर पंजाबी आवाज होंगे सारे, तो पंजाबी सारे। ये चिमन का मोहल्ला वो था जी, नोरा चिमन राजपूत था कोई। वो सामने बाशी मुसलमान था कोई राजपूत, उसका नोरा वहाँ पे था, मतलब मकान। यह मुसलमान ने गली थी पहला सारी राजपूतों की, इसमें पंजाबी सारे गुरुद्वारा बना रखा। शनवाज, शनवाज दुंदा उनका मकान है जी, जिन्होंने तोपे बनाई थी, जिन्होंने 1947 में तोपे बना के लड़े थे, लेकिन तोपे मिस हो गई थी, फिर तीसरी बार फायर किया था, फिर वो बोले भी अपनी तो किस्मत भी माड़ी है और यहाँ से जलने में ही भलाई है, फिर उन्होंने अपना वो छोड़ दिया था जंग का इरादा। वैसे गांव वालों का कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने, ना गांव वालों ने उनका किया। शाहनवाज और दुंदा दो भाई थे ये। देखो कितना पुराना है जी, अंदर है ऐसा ना, लिख रखा कुछ, किन का था यू, शहनवाज का था यू, ये है स्वर्गीय श्री सौदागर, सौदागर मल गाबा गाबा निवास। जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी लोग यहाँ पे आए ना, रिफ्यूजी लोग खत्री, तो उन्होंने उनको फिर अलॉट हो गया था एक, समझ लो ऐसे, तो उन्होंने फिर इसकी लिपाई पुताई कराई, तो उन्होंने अपना ये नाम वगैरह उनका लिखा हुआ है, ना कि पहले का, ये 47 के बाद लिखा हुआ है। वैसे ये जो नोरा दरवाजा है ये पहले का है 47 से, ये बाकी लिपाई पुताई बाद की है। बुजुर्ग बता रहे हैं कि इसकी छत दोबारा डलवाई है फिर इन्होंने, देखभाल अच्छी तरह से कर रहे हैं, इन्होंने खत्रियों से मोल ले लिया था, फिर अभी इनकी मलकियत है। पीछे फर्श देखो उस टाइम का, वही नहीं बैठी
दरवाजे के चूल वास्ता। हाँ चूल वास्ता सही है। शानवाज और दोंदा का घर है जी, जो अंदर हिंदू साइन है ना, वो गाबा साहब जो आए थे पाकिस्तान से उनके हैं। कोई बात नहीं, ये इतनी मोटी कांध है देख ले, इसकी 1.5 फुट की होगी, अगले नोरे की है 4-5 फुट की दीवार। दरवाजे की जो नकाशी करी हुई है ना, फिर मोटी दीवार में चला डिजाइन। सामने भी पुराने मकान से हमारे, वो दिख रही है मस्जिद की मीनार। ये भाई काला नारायण दत्त अपने बहुत ही खास मित्र हैं, जिनकी मदद से यहाँ पर आए, रिपेयर करवाई हुई है होने काने से। पूरा भी तो होंगे फिर, पहला मकान है सारा में मकान थे क्या? ये तो बाहर का दरवाजा था, नोरा बेली का, ये तो बाहर था बस, आए गया वास्ता उरा बैठाए कर दे। अंदर क्यों, पर्दा का काम बहुत हुआ था अपने हरियाणवी कल्चर में, अरेबी पर्दा बहुत है। फिर भी पूरा था सीधा चौड़ा साफ दिख रहा था बिल्कुल, ये लास्ट मकान था इनका। अच्छा मित्र यू साहब बाद के पड़े हुए हैं? हाँ ये तो बाद के पड़े हैं। न्यू का न्यू है, पत्थर जो लगे हैं उस टाइम का दासे कहते हैं ना, पत्थर के दासे। इंटा न्यू खड़ा थी ना इसका, इंटा न्यू खड़ा थी उस टाइम, सीमेंट तो ही नहीं करता। ये एक पूरी हवेली थी जी, हवेली का मेन दरवाजा ये था जहाँ पे बाहर से ओपरा बंदा आया और बैठ गया। अपना क्या नाम बताओ? बाबूराम। देखो पत्थर देख रहे, दरवाजा भी जदों का रोशनदान। और जो भी पुराना मकान मुसलमाना का, और ये दूर तक उड़ा था कि सब इन्हों का था यू ऐसा, फिर इसमें अपना पंजाबी आ कर अपने अपने प्लाट प्लूट बनाए हैं छोटे छोटे। एस टी डी पहला, एस टी डी होगी और एस टी डी आई एस डी। यू भी सारा घर उन्हों का था एरिया जितना भी है। पकड़ा मौलवी पूरी है मस्जिद के आसपास है गली। मौलवी पूरी है, मौलवी पूरी है, मौलवी मौलवी भी करो वा सब्जी है गाँव में।